तुमने जानबूझकर एक हैवान की तरह मुझे धक्का दिया था और तुम्हारी उस हरकत के लिए तुम्हारे साथ कल रात को जो कुछ भी हुआ कम तारीफ। वाह भाई वाह, मेरी सो कॉल्ड पत्नी अपने धर्म पत्नी होने का धर्म क्या खूबी से निभा रही। वाह, और तुम क्या तुमने पति होने का फर्ज कभी निभाया है? तुम्हें तो हमेशा मुझसे ये उम्मीद रही कि मैं तुम्हारा साथ देती रहूं। क्या तुमने कभी मेरा साथ दिया ऋषभ? बल्कि तुमने तो जब भी मौका मिला मुझे बेइज्जत किया। मैं फिर भी खामोश रही। तुम्हारी कल रात की बदसलूकी का तो जिक्र तक अपनी जबान तक नहीं ले आती। तुम्हें तो याद है ना कल रात को क्या क्या हुआ? तो तुम्हें यह भी याद होगा कि तुमने मुझसे किस तरह बात की थी। ऐसे कोई अपनी पत्नी के साथ बात नहीं करता है ऋषभ, ऐसे तो किसी बाजार औरत के साथ बात की जाती है। क्या यही है पति होने का फर्ज मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा? मिसेस मेधा मल्होत्रा, तुम्हारी जैसी पत्नी का पति होने का फर्ज तो मैं अब निभाने जा रहा हूं। आज शाम ढलने से पहले तलाक के कागजात तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, साइन कर देना। और तुम्हारे जैसे पति के प्रति इस पत्नी का यह फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे इस फैसले का शुक्रिया अदा करूं और उस गलती की माफी मांगूं जो कल रात मैं तुम्हें नशे की हालत में सहारा देकर यहां तक ले आई। तुम्हें और तुम्हारे घमंड को तो फुटपाथ पर पड़े रहने देना चाहिए था। मेरा आज तो तुमने ये जुर्रत कर दी ऋषभ, आइंदा कभी मत करना वरना इन हाथों में हथकड़ियां पहना दूंगी। पति के जुल्म से पत्नी की हिफाजत के कई कानून हैं और उनमें से कुछ मैं तुम पर लागू कर सकती हूं, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम डाइवोर्स पेपर्स भेज देना, मैं खुशी खुशी साइन कर दूंगी। ऋषभ, तुम्हारा यही अहम यही घमंड तुम्हें एक दिन जिंदगी के चौराहे पर अकेला छोड़ देगा।